डियर स्टूडेंट्स वी हैव कम्पलीटेड द यूनीट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाई वेरिएट एंड मल्टी वेरिएट डिस्क्रिप्टिव एनालिस इन ऑर्डर टू डू सो वी हैव टू लर्न क्रास टेबुलेशन इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एनालिसिस क्रास टेबुलेशन इज अ मैथड टू क्वानीज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स ये दो वेरिएबल्स के दरमियान भी हो सकता है और ये दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान भी हो सकता है तो जब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान ये रिलेशनशिप देखें तो इसको हम कहते हैं बाई वेरिएट क्रॉस टेबुलेशन और जब हम दो से ज़्यादा के दरमियान देखें, तो देखें तो हम इसको कहते हैं मल्टी वेरिएट या मल्टीपल क्रॉस टेबुलेशन क्रॉस टैबुलेशन क्यों की जाती है क्रॉस टैबुलेशन एक्चुअली हमें फिसिलिटेट करती है हमारी मदद करती है हमें अंडरस्टैंड करने में ये एक बड़ा एक अच्छा मेथड है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम इंफ्लुशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने से पहले इसकी मदद से भी डेटे को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कैसे डेटा एक वेरिएबल दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो एस पी एस एस में अगर हम बात करें क्रॉस टेबलेशन करने के लिए तो हम एनालाइज पे जाते हैं एनालाइज से डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और इसमें आपके पास क्रॉस टैप का ऑप्शन दिया होता है यहाँ पर आपने इसको क्लिक करेंगे तो आप जो भी वेरिएबल क्रॉस टेबुलेशन जब हम एस पी एस एस में करते हैं तो हम इसको नॉमिनल uh, ऑर्डिनल और स्केल तीनों लेवल पर कर सकते हैं और हम इसमें से किसी uh, भी वेरिएबल्स के दरमियान ये क्रॉस टेबलेशन का टेबल बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने जेंडर और एजुकेशन लेवल को सिलेक्ट किया है और मैं सिंपल सिर्फ इसका क्रॉस टेबुलेशन का टेबल बनाने जा रहा हूँ इसको ओके okay करूँगा ओके okay करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह का टेबल बना आ जाएगा जिसके एक साइड पे जेंडर और दूसरी साइड पे एजुकेशन लेवल है यहाँ पर अब मेरे पास आ, जो डेटा है वो मुझे बता रहा है कि जो मेल की जो इनमेंट है वो बैचलर प्रोग्राम में वो कंपेयर टू द फीमेल इनलमेंट इन टू द बैचलर प्रोग्राम वो काफ़ी सिग्निफिकेंट ज़्यादा है अब मास्टर्स लेवल पर और अगर एम लेवल पर अगर हम देखें तो ये डेटे का ट्रेंड चेंज हो जाता है यानी अगर हम मास्टर्स लेवल पर देखते हैं तो मेल और फीमेल की इनोलमेंट मास्टर्स लेवल पे वो बहुत उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है ये 92 यानी ये 60-40 हम इसको कह सकते हैं या 55 45 कह सकते हैं और एम uh, लेवल पर अगर हमें देखें तो हमें फ़ीमेल इनमेंट ज़्यादा नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू द मेल इनमेंट फॉर दिस डाटा सेट मगर बैचलर्स लेवल पे यहाँ पर, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है यानी इट्स आलमोस्ट डबल ऑफ द मेल इनरोलमेंट इज़ द डबल ऑफ़ द फीमेल इनोलमेंट तो इस सैम्पल में हमें आज जब हमने जेंडर और एजुकेशनल लेवल का आ, देखा तो हमें यह पता चलता है कि जो हायर एजुकेशन के चांसेज है वो आ, फीमेल के लिए कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू द मेल स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम इसका मल्टीपल क्रॉस एबुलेशन देखें तो उसमें हम ये लेयर वन में एक वेरिएबल ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर अब मेरे पास रूम में जेंडर है कॉलम में, में मेरे पास रजिस्टर्ड वोटर्स यानी आपका वोट रजिस्टर्ड है कि नहीं है और हमने लेयर वन में एजुकेशनल लेवल रख लिया और ओके okay पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपके पास कुछ ऐसे आ, टेबल बन के आएगा जिसमें अब तीन वेरिएबल हैं यानी एजुकेशनल लेवल बैचलर्स मास्टर्स एम फिल फीमेल एंड मेल एंड रजिस्टर्ड वोटर तो बैचलर्स लेवल पे हमें नज़र आता है कि फ़ीमेल और मेल जो है उनकी तादाद जो है फीमेल के वोट जो है वो कम रजिस्टर्ड हैं और मेल के वोट जो है वो भी कम रजिस्टर्ड हैं यानी ज़्यादातर के वोट रजिस्टर्ड हैं फीमेल और मेल बहुत ग्रुप्स में इसी तरह मास्टर्स लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें यही ट्रेंड नज़र आता है कि फ़ीमेल और मेल दोनों की प्रोपोर्शन ज़्यादा है जिनके वोटेड रजिस्टर्ड वोट हैं और एम फिल पे पर भी अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि दोनों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तदाद ज़्यादा है तो इससे हमें ये नज़र आता है क्या करॉस द एजुकेशनल लेवल बोथ फॉर द मेल एंड फीमेल यूथ के वोट रजिस्टर्ड है यानी जो uh, जो यूथ है वो अगर हम उसकी पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर यानी एट फिफ्टी एट के वोट रजिस्टर्ड हैं और थ्री एटी सेवन के रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ये मल्टीपल क्रॉस टेबुलेशन आपके के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है जब आप उनके uh, पास uh, बहुत सारे वेरिएबल हैं तो आप उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स की इंट्रैक्शन uh, देख सकते हैं कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कर रहा है तो बजाय कि आप स्टेटिस्टिकल टेस्ट कंडक्ट करें और टाइम आपके पास uh, जो है आपने जो रिपोर्ट करना होता है वो वो पॉलिसी ब्रीफ हो सकता है तो आप उसमें स्टेटिस्टिकल टेस्ट के लिए नहीं जाते बल्कि आप फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज की मदद से ही लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट उस में ये एक बड़ा आ, जो है सिग्निफिकेंट और यूजफुल टेक्निक है क्रॉस टेबलेशन की जो कि हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में